नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का भारत बंद का धमतरी में व्यापक असर देखने को मिला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुबह से रैली निकालकर बंद को सफल बनाने में जुटे हुए नजर आए। वहीं बंद को भी व्यापारियों का समर्थन मिला। लोग सुबह से अपनी दुकानों को बंद किए रहे, जिससे कारोबार भी पूरी तरह ठप रहा। आपको बता दें, कांग्रेसी नेताओं ने सुबह से अलग अलग जगहों से रैली निकालकर बंद को सफल बनवाने में लगे रहे। कांग्रेसी नेता कहीं बैलगाड़ी में बैठकर तो कहीं मोटरसाइकिल को फांसी पर लटकाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जगह जगह नजर आए। वहीं सरकार पर जमकर निशाना साध रहे, जबकि बंद का असर कुल भगरा नगरी इलाके में भी देखा जा सकता है। देखिए, आज पेट्रोलियम की महंगाई की मार इतनी हो गई है कि उसके कारण पूरा परिवहन का चार्ज बढ़ गया है, और उससे हर आवश्यक वस्तु जो है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी रेट इतनी बढ़ गई है कि आज महंगाई के मार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। ये वही मोदी सरकार है जो जब विपक्ष में थी तब UPA सरकार के समय जब 129 रुपये प्रति बैरल कच्चे तेल का रेट था, तब 60 रुपये जब पेट्रोल और डीजल का रेट हुआ था, तब इन लोगों ने हाय तब मचाए थे इनकी। वही सुषमा स्वराज, वही स्मृति ईरानी लोग आज कहाँ हैं, जब मात्र 60-65 रुपये कच्चे तेल का प्रति बैरल रेट है, और आज पेट्रोलियम का रेट बिना मतलब के केवल नोटबंदी का जो उसको नुकसान है उसको कवर करने के लिए, जो नोटबंदी में पब्लिक को यहाँ जनता को जो मारा गया है उसको कवर करने के लिए, और अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति को फायदा पहुँचाने के लिए, रोज जो 10 साल में कांग्रेस ने मात्र 15 रुपया बढ़ाया था पेट्रोलियम का रेट, उसको आज ने 4 साल में इन लोग 25-27 रुपये तक बढ़ा चुके हैं, जबकि कच्चे तेल का कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम है, उसके बावजूद आधा है और रेट इधर डबल हो रहा है। तो कुल मिला के जनता के ये अच्छे दिन कहाँ है ये पूछने के लिए, और राहुल गांधी जी के आज आह्वान पर पूरे भारत देश में स्वस्फूर्त जो व्यापारियों ने आज बंद का जो उत्साहपूर्वक अपना बंद रखा है, वो एक व्यापारियों को भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और व्यापारी कितना त्रस्त है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ रहा है, केवल निवेदन कर रहे हैं, केवल समर्थन मांग रहे हैं, उसमें स्वस्फूर्त व्यापारी भी अपना समर्थन दे रहे हैं बंद करके। आज सबसे बड़ी देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उस मुद्दे पे आज पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरा देश आज महंगाई के लिए बंद किया गया है। खास करके जो पेट्रोल डीजल गैस, यहाँ तक कि बस किराए भी बढ़ गए हैं, और आज किसानों के साथ जो ये छलावा हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेके जो महंगाई है उसके लिए बंद किया गया है। निश्चित ही मैं समझता हूँ कि पूरे देश का हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस महंगाई के चपेट में सभी आ चुके हैं। इसके लिए राहुल जी ने ये मुद्दा जनता के लिए ये मुद्दा उठाया है, तो निश्चित ही के कारण जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर ये सरकार जिस तरीके से कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, आज वही अच्छे दिन आ रहे हैं कि आज हर आदमी परेशान है, और सिर्फ नाम अच्छे दिन के हो गए, और इन्होंने कहा था जो 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में देंगे। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इस देश में जिस तरीके से झूठ बोलकर ये सरकार पे आए हैं, निश्चित ही जनता इसके लिए इनको सबक सिखाए। व्यापारियों का पूरा समर्थन रहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन रहा, और मैं सभी व्यापारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप तो पूरे देश के लिए जो आपने समर्थन दिया है, ये महंगाई के लिए समर्थन दिया है, इसके लिए मैं पूरे व्यापारी जगत को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।